तो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस मतलब बेसिकली स्क्रीनशॉट्स से लिए हैं जो आपकी वीडियोस में कमेंट्स करते हैं, ठीक है। एक भाई ने लिखा, अरुण भाई बी लाइक प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, आई डोंट लाइक प्रॉब्लम बट प्रॉब्लम लाइक मी सो आई कांट अवॉइड। क्या बोलोगे इस भाई को? भाई प्रॉब्लम्स का तो ऐसा ही है ना, मतलब अच्छी चीजें तो सब दिखा देते हैं, प्रॉब्लम भी तो किसी को दिखानी चाहिए ना, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वरना सब तारीफ ही करते अपनी चीज की। मान लो मैं कुछ भी खरीदूंगा तो अच्छा ही बताऊंगा ना उसको। करेक्ट। दूसरा है कि महिंद्रा फर्स्ट मिस्टेक सेलिंग देयर कार टू वरुण पवार, मेरी कोई गलत मतलब नहीं निकालना, ये सच है महिंद्रा की सर्विस उतना अच्छा नहीं है। इस पे क्या रिव्यू रहेगा? भाई मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ना कंपनियां ऐसे यूट्यूबरों को गाड़ी देना बंद कर देंगी। यो ये यूट्यूबर है बंद करो, इसको गाड़ी नहीं देनी। एक भाई ने लिखा कि ये है किशन चौधरी, अरुण पवार मिस्टेक वोट महिंद्रा कार, क्या लगता है गलती है या ठीक है? ठीक है यार, लाइव एक्सपीरियंस मिल गया ना, देखेंगे। मतलब अब इससे पता चल जाएगा ना आगे कभी महिंद्रा गाड़ी खरीदनी नहीं खरीदनी। एक आपके बहुत ही प्रिय सब्सक्राइबर है, अरुण भाई आपके खिलाफ बहुत हेट फैला रहे हैं लोग बाग, बट डोंट वरी हम आपके साथ हैं, हेटर्स को हम अपने आप निपटा लेंगे। क्या बोलते हो अपने फैंस को? बहुत बहुत शुक्रिया, सच में निपटा लेते हैं भाई। अगर कोई बनाता है ना तो सच में आप उनके कमेंट्स में आके देखोगे, ये मेरे तक आने ही नहीं देते बात, आराम से खुद ही खुद उनको बढ़िया तरह बता देते हैं, फिर उनको कमेंट से डिसेबल करनी पड़ जाती है। मैंने देखी हाँ ऐसी वीडियोस जिन्होंने एक दो ऐसी बनाई थी जो ऐसे मतलब उस पे दिखा रहे थे प्रेशर प्रेशर मरवा के, उसने कमेंट ही डिसेबल कर दी उसमें। इन्होंने खूब अच्छी तरह से भाइयों ने लिख दिया था, कमेंट ही डिसेबल कर रखी है उसने। तो चलो ये वाला खत्म हो गया, इसके बाद हमारे पास बचता है आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है। बट अच्छा रैपिड फायर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि अभी तक का यूट्यूब का सफर आपका कैसा रहा, कितना चैलेंजिंग रहा या आपको लगा कि बस इजी रहा बहुत, क्योंकि जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपकी यूट्यूब फैमिली है, जो आपको फैन फॉलोइंग है, कहीं ना कहीं वो भी आपसे बहुत इंस्पायर्ड होते हो, राइट? तो वो भी अपना कुछ ऐसा करना चाहते होगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है और अपना चैलेंजिंग भी बताना, यूट्यूब पे अभी तक का कितना चैलेंजिंग रहा है। चैलेंज एक यही लगा भाई, वरना इसमें तो कैसी क्या ही चैलेंज होंगे यार। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो मन करता है वो शूट करके डाल देते हैं। इसमें मेरे को तो कुछ नहीं लगता चैलेंज वैलेंज कुछ भी होता होगा, चैलेंज यही है। हाँ मतलब पुराने टाइम में ऐसे कंटेंट की बहुत कमी होती है कि किस कैसे कहाँ से गाड़ी अरेंज करें, क्योंकि बहुत बार अब जैसे अच्छी अच्छी स्टोरी हम बता देते जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन गाड़ियां वो मना कर देते शोरूम वाले कि अलाउड नहीं है, या फिर ऊपर से परमिशन लो या ऐसे लो, तो फिर यही लगता है कि यार क्या बनाएं क्या बनाएं। तो स्टार्टिंग में तो बड़ा ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं। मैं आपके उसके थ्रू बताना भी चाहूंगा, जैसे बहुत नए भाई आते हैं वो यही कमेंट करते हैं, मेल करते हैं कि भारून भाई वीडियो नहीं बनाने देते शोरूम वाले ऐसे ऐसे। मैं कहता हूँ भाई थोड़े से दिमाग का यूज करना पड़ता है हर चीज में। आप उनसे ऐसे कहो कि मेरे को टेस्ट ड्राइव दो गाड़ी की, टेस्ट ड्राइव के बहाने मतलब देखो थोड़ी ये सी गलत सीक्रेट हो, बता हाँ दिया। थोड़ा हो सकता है अपना बंदे को, उसको आराम से सेट करो, फ्रेट व्रेट बनाओ और कहो कि ऐसे ऐसे वीडियो बना दे 10 मिनट का काम। भाई गाड़ी शूट, भाई मैं कैमरा लेके खड़ा होता हूँ ना 10-15 मिनट में वन टेक में निपटा देता हूँ मामला। 10 मिनट निकाल के अनकंफर्टेबल जोन से अपना बाहर निकलोगे तभी सक्सेस हाथ लगेगी। अब कुछ सोचो कि भाई अब मैं आज सोच रहा हूँ चलो चैनल बनाता हूँ, तो मैं कंपनी को फोन करूँ गाड़ी यहाँ पे आएगी, मैं वीडियो बना के डालूंगा, मिलियंस में व्यूज लाइक कर देगी, ऐसे नहीं होता। हाथ पैर मारने पड़ते हैं भाई, बहुत धूप में काला होना पड़ता है स्टार्टिंग में तो बहुत होता है, लेकिन धीरे 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 लोग भाई जुड़ते चले जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा जरूरी भी ये भी है कि एक कंटेंट पे, मैं भी ये कहता हूँ एक कंटेंट पे चिपक के मत रहो, क्योंकि कितने बड़े बड़े चैनल्स थे आज एकदम डेड हो गए हैं। अपने कंटेंट को धीरे 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 शिफ्ट करते रहो, जिस भी राह पे आपको लेके जाना है उसको मतलब बहते रहो। अब आप बिल्कुल ही एकदम ही बस रिव्यू रिव्यू रिव्यू, आज मैं वाइटस का डाल रहा हूँ, कल सलाविया का डाल रहा हूँ, कल एल्काजार का डाल रहा हूँ, वो आपके ऐसी जनता जुड़ेगी जो सिर्फ स्पेसिफिकली उस गाड़ी को देखने के लिए आ रही है। जैसा कि मोस्ट ऑफ द चैनल्स हैं हमारे व्यूज आप देखो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट से ही रहते हैं हर वीडियो पे, मान लो 1 लाख देख रहे हैं 2 लाख देख रहे हैं तो कॉन्स्टेंट रहते हैं, क्योंकि वो पब्लिक हमने ऐसे जोड़ ली ना अपने साथ की वो देखेंगे ही देखेंगे, चाहे मैं नैनो डाल दू चाहे 800 डाल दू कुछ भी डाल दू, तो एक मिनिमम ऐसा नंबर होना चाहिए। वही है मतलब एकदम रिव्यू भी मत रहो, चेंज लाते रहो, क्योंकि कल को उसमें आपको भी दिक्कत नहीं होगी,
कि भाई कंटेंट की कमी हो रही है, तो आपका जो मन करेगा वो भी कर सकते हो, अब एक ही उसके साथ मत चिपके रहो, मेरा ये मानना है बस। बट मुझे एक चीज और बताओ, जो अभी आपने बताया, लेट्स एग्जांपल कोई आप कार रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, आप जनता जुड़ी आपके साथ में जो कि रिव्यू स्पेसिफिक है, हाँ, कि भाई मेरे को इस गाड़ी का रिव्यू, हाँ, देखना, तो मैं अनुपम पवार की वीडियो देखूंगा, ये मेरे को कंफर्टेबल रहेगा कि मेरे को यहाँ से पता लग जाएगा कि लेनी नहीं लेनी। बट अगर कल को आप कंटेंट चेंज करोगे तो आपका जोनर भी तो चेंज होगा, तो वहां पे क्या लगता है जो रिव्यू वाली ऑडियंस है वो देखना उस कंटेंट को पसंद करेगी या हाँ, इस बात में मतलब आप समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वो चेंज करने की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एक ही गाड़ी है उसका, ऐसे नहीं कि मतलब बस आप अपना भाषण दे रहे हो, सेम गाड़ी का जैसे आप बता रहे हो, जैसे किसी को गाड़ी लेनी, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ऑडियंस वही है, अगर मैं चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली वो नहीं। तो इसमें क्या करो, आप रिव्यू ना दिखा के ऑनरशिप रिव्यू ले लो। अच्छा, मतलब इसका वेरिएशन बेसिकली चेंज करना, थोड़ा ऐसे कंटेंट नहीं कि मतलब आप ऑटोमोबाइल से म्यूजिशियन बन जाओ, सिंगर बन जाओ, ऐसा वाला नहीं। आप ड्राइविंग रिव्यू दिखाओ उसका अलग तरीके से। अब मैं मेनली क्यों ऐसे थोड़ा सा वो हुआ, एकदम थोड़ा अलग कैसे हो गया, मैं थोड़ा कंटेंट को बांट देता हूँ भाई, मतलब एक ही उसमें घुसपुस नहीं करता, हर चीज के लिए स्पेसिफिक जिसको जो देखना है। गाड़ी के 10 नेगेटिव है उसको अलग छाट दिया, उस टाइम पे बिल्कुल कोई नहीं करता था, 10 नेगेटिव अलग छाट दी, 10 पॉजिटिव अलग छाट दिया, दो वीडियो अपने लिए भी फायदा हो गया, दो बन गई, पब्लिक का टाइम भी सेविंग हो गया, जिसको नेगेटिव देखने वो नेगेटिव देख लेगा। मान लो किसी को वेटिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है गाड़ी की, तो वो सोच रहा है कि यार बेकार गाड़ी है कहीं से पता चले, जबकि उसको पसंद है, तो वो नेगेटिव देख के ही कहेगा चलो कुछ और ले ले, तो इसमें सही में नेगेटिव है। या किसी को पॉजिटिव देखनी है तो वो पॉजिटिव, तो इस तरीके से चेंज करो, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप से। समझ गया ऐसे करो, ऐसे नहीं कि बस ओनली रिव्यू, वो मेरे कहने का मतलब है वेरिएशन लाना बेसिकली आपको, सेम ही कंटेंट, हाँ सेम ही कंटेंट में थोड़ा सा अलग अलग दिखाते रहो तो बढ़िया रहता है। मतलब तो अभी हम अपना रैपिड फायर स्टार्ट करने वाले हैं, अरुण भाई से देखते हैं क्या जवाब देते हैं। अच्छा, रैपिड फायर क्वेश्चंस आपको अगर मान लो कोई अच्छा ना लगे, हाँ, तो आप साफ साफ मना कर सकते हो, नहीं देना, नहीं बताना। ठीक है जी। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक? अपनी मिस्टेक से, हाँ, अब वही है, अब दोबारा नहीं करेंगे भाई, अब ऐसे यही रहता है कि उससे सीख, जो उसको थोड़ा सा ऐसे कर लो कि भाई ये नहीं करनी चाहिए थी बस, और आगे नहीं होगी। मेरे को देखो, व्हाट मेक यू स्माइल? भाई मेरे को जब मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ डेट मेक्स मी स्माइल, और जब मैं कंफर्टेबल रहता हूँ तो मैं थोड़ा गुन्नू टाइप आदमी, तो मैं थोड़ा ऐसे माथा से चढ़ा रहता है मेरा। और अब जब जैसे भाइयों से मिलता हूँ या नहीं भाई है, तो तुरंत पता नहीं अजीब से स्माइल भी आ जाती है भाई। वेयर डू यू फाइंड योर इंस्पिरेशन? मतलब कि भाई होता है ना हर एक बंदे को कि कुछ चीजें कैसी रहती है कि जहां से थोड़ी सी अपने फेलो क्रिएटर्स को देख के इंस्पिरेशन से आती रहती हैं। मतलब किसी ऐसे ही कि भाई किसी टाइम पे ये ऐसे हमसे रिव्यू बनवाने आते थे, आज बताओ कहाँ पहुंच गए, उनसे ही इंस्पिरेशन ले लेके अपना आगे बढ़ते रहो। When was the last time you lied? यार ऐसे कैसे याद रहता है भाई? क्या डेली बोलते हो? मतलब यार अच्छी चीज के लिए झूठ बोल दो किसी से। मान लो घर वाले पूछ रहे हैं कल रात को कि कहाँ है, अब मैं दोस्तों के साथ हूँ तो मैं कह देता हूँ कि चलो आ रहा हूँ 1 घंटे में, मैं 2 घंटे बाद पहुंच रहा हूँ, तो पूछते हैं कहाँ रह गया, मैं ऐसे खाना, मतलब यार सही है, कई बार झूठ बोल दो तो क्या दिक्कत है, चलता है। Have you ever cheated in exam? हाँ भाई, मतलब कौन नहीं करता, मतलब कहीं से पता चल जाए तो बिल्कुल अच्छी बात रहती है। मतलब मंदे टाइम में रहता था यार, दो जैसे होशियार रहते थे तो वो मतलब उनसे पूछ लेते थे। सभी करते हैं भाई इसमें तो, चीटिंग तो सभी करते हैं मेरे ख्याल से। एकदम ऐसे बच्चे नहीं रहे कि एकदम बहुत ज्यादा पढ़ने वाले रहे हैं। अच्छा, बचपन कैसा था? मतलब एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव? अरे नहीं, बहुत पिट के बड़े हुए हैं हमारे, हम जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाँ, तो पापा एकदम देसी टाइप जैसे रहते हैं, तो बहुत गुस्सा वाले थे ऐसे, मतलब नंबर वंबर कम आए तो ये जो मार्च का महीना रहता है 30-31 को रिजल्ट आना होता था, तो इस टाइम में बहुत डर लगता था।